हेलो गाइस, मैं अंकुश सैनी विद्या एजुकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में टेंस के बारे में जाना था तथा टेंस के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जाना था, और हमने टेंस के पहले प्रकार प्रेजेंट के पहले प्रकार यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव के हमने सेंटेंस करके देख लिए। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव तथा डबल इंट्रोगेटिव या हम कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड के बारे में जानेंगे कि तथा इन सेंटेंस की पहचान कैसे करें और इन सेंटेंस को रूल के अकॉर्डिंग बनाए कैसे। चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं तथा जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं वे हमारे नोट पर आधारित होते हैं। नेगेटिव यानी कि नोट यानी नहीं के मतलब होता है। अब हम इन सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये हमारे प्रेजेंट का है इंडेफिनेट का है, ये तो सभी आपको पता होगा। चलिए आप एक बार और बता देते हैं, जो हमारे प्रेजेंट ही होते हैं उसके लास्ट में हमारा ता है आता है। जो हमारे प्रेजेंट के होते हैं उसमें लास्ट में हमारा ता है आता है। जो हमारे थे के वो सॉरी जो हमारे पास्ट के होते हैं उनके लास्ट में हमारा थे आता है यानी कि हम कर चुके थे। जो हमारे फ्यूचर के होते हैं उनके लास्ट में हमारा गे आता है यानी कि जो हम करेंगे या आने वाले समय में जो हम करेंगे। अब हम चले पढ़ते हैं नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव का रोल हमारा होता है पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आता है हमारा अदर्स वर्ड जो भी हमारे लास्ट में बचते हैं। अब जो हमारा डू या डज हो रहा है, आप लोग ये सोचें डू या डज का हम उपयोग किस तरीके से करेंगे। तो जो हमारा डू होता है वह हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है यानी कि बहुवचन के लिए, और जो हमारा डज होता है हमारा सिंगुलर के यानी कि एक वचन के लिए यूज होता है। यानी सब्जेक्ट हमारा एक वचन होता है और प्लूरल भी हमारा प्लूरल मतलब कि जो सब्जेक्ट एक वचन के लिए होता है उसके लिए डज का, जो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होता है उसके लिए डू का। फिर हमारा नोट आता है, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा अदर जो हमारे शब्द बचते हैं। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि राहुल स्कूल नहीं जाता है तो राहुल हमारा क्या है, एक वचन है, क्योंकि राहुल हम किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं राहुल, तो हमारे राहुल एक वचन है। चलिए अभी सेंटेंस को बनाते हैं। राहुल, अब इसके बाद हम लगाएंगे डज क्योंकि एक वचन है। उसके बाद हमारा आ गया नोट, अब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जाना गो हो गया। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट यानी कि स्कूल, गो टू स्कूल। चलिए इसी प्रकार हम अपना सेकंड बनाते हैं मैं। अब इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, मैं आ रहा है, मैं यानी कि हमारा एक वचन नहीं होता, मैं हमारा हमेशा बहुवचन होता है। हम अपने आप को कभी भी एक वचन में नहीं गिनते, हम अपने आप को बहुवचन में गिनते हैं। तो मैं हमारा बहुवचन है यानी कि डू का उपयोग होगा। पहले हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे यानी कि आई, फिर हम लगाएंगे अपना डू, फिर हम लगाएंगे नोट, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कार्य करना लर्न, क्योंकि हम याद नहीं करने का सेंटेंस है हमारा लर्न। फिर हमारा सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पार्ट यानी कि माई चैप्टर, ये आप लेसन भी लगा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसमें हिज का उपयोग क्यों नहीं, क्योंकि जो हमारा हिज होता है वह हमारा ही के लिए उपयोग होता है, इसलिए आई के साथ हमारा माई का उपयोग होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे यानी कि बहुत सारे है, तो बहुवचन में चला गया। तो दे, डू, नॉट, प्ले क्रिकेट। चलिए हम फोर्थ सेंटेंस पे चलते हैं। वह धूम्रपान नहीं करता है, तो वह हमारा एक वचन है, तो ही, इसके लिए डज का उपयोग, डज नॉट स्मोक। वे शोर नहीं मचाते, वे हमारा बहुवचन हो गया, तो इसके लिए भी हम डू का उपयोग करेंगे, दे डू नॉट मेक अ नॉइस। अब हमारा लास्ट सेंटेंस, वे कभी झूठ नहीं बोलता। अब आप इसमें देख रहे हो कभी नहीं आ रहा है, कभी नहीं के लिए हम कभी भी नॉट का उपयोग नहीं करते, कभी नहीं नहीं के लिए हम हमेशा नेवर का उपयोग करते हैं। चलिए हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। वह यानी कि ही और डू नॉट यानी कि डू नॉट की जगह हम नेवर का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, कभी नहीं, तो ही नेवर टेल्स ए लाइ, क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा नेगेटिव के सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के प्रेजेंट में कैसे पहचान करते हैं।
अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव की पहचान कैसे करें तथा इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को कैसे। चलिए तो अब हम इंट्रोगेटिव के बारे में जानते हैं और इंट्रोगेटिव के रूल के बारे में पढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाते हैं। तो हमारा इंट्रोगेटिव का जो रूल होता है वह हमारा डू, पहले हमारा आता है डू या डज, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अब आपको पता तो, अब आपको मालूम है कि डू तथा डज का उपयोग हम किस जगह करते हैं। डू हमारा बहुवचन के लिए और डज हमारा एकवचन के लिए। चलिए अब हम पहले सेंटेंस को बनाते हैं। क्या वह किताब पढ़ती है, यानी कि लड़की है, तो शी का उपयोग होता है। तो शी हमारा क्या है, एकवचन है। शी हमारा एकवचन, तो एकवचन के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, डज का उपयोग। तो डज हमारा जब ये इंट्रोगेटिव है तो पहले हमारा क्या है, तो क्या मतलब क्या है, तो हमारा डज का उपयोग होगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड्स वाला सेंटेंस है। चलिए पहले डज आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि लड़की है, यानी शी आ गया, वह शी। फिर हमारा वर्ब, वर्ब यानी कि पढ़ती है, रीड। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी किताब, डज शी रीड बुक। अब हम सेकंड सेंटेंस की ओर चलते हैं। क्या वह दिल्ली जाते हैं, यानी कि वे बहुत सारे आ रहे हैं, सॉरी वे बहुत सारे आते हैं, तो वे के लिए हम डू का उपयोग करेंगे। तो डू दे गो टू दिल्ली। इसी प्रकार हमारा ये वाला है, वे खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले। इसी प्रकार हमारा फोर्थ वाला है, क्या तुम खाना खाते हो। अब तुम्हारा है तुम हमारा, यानी कि बहुवचन में आता है तुम हमारा, तो डू यू ईट द फूड। और फिफ्थ हमारा, क्या वह नाश्ता है, वह हमारा एकवचन है, तो इसके लिए हम डज का उपयोग करेंगे। तो डज ही डांस। अब हमारा लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, तो नहीं आ रहा, यानी कि नोट में चला गया। अब नोट को हम किस प्रकार बनाएंगे, अब हम अपने रोल पे चलते हैं। तो पहले हमारा डू, फिर पहले डू या डज में से जो भी है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है फिर नोट, फिर अपना नोट के बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, हमारे वर्ड जो बचते हैं वे। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। क्या वह किताब नहीं पढ़ती है, तो वह यानी कि लड़की है, तो हम पहले लगाएंगे अपना लड़की के लिए क्योंकि सिंगल है, तो डज। और फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया यानी कि शी, फिर हमारा नोट आया क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, फिर हमारा पढ़ना है यानी कि रीड आ गया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि किताब आ गई, डज सी नोट रीड बुक। अब अपने लास्ट वाले चलते हैं। क्या तुम नहीं सोते हो, तो इसके लिए तुम यानी कि तुम हमारा बहुवचन में आता है, तो इसके लिए हम डू का उपयोग करेंगे, डू यू Not sleep. I hope आप सभी को ये sentence समझ में आया होगा तथा इसका rule आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं question word यानी कि double interrogative के बारे में जानेंगे तथा उसके sentence को बनाएंगे। चलिए हम present indefinite के अब last topic यानी कि interrogative के double interrogative और question word के बारे में जानते हैं और इनको कैसे बनाते हैं तथा इनके रूल का उपयोग कैसे करते हैं। चलिए पहले हमारा इसका रूल है डब्ल्यू एच फैमिली, यानी कि जो हमारे सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि क्यू, क्यू क्या, क्यों जो भी होते हैं, ये सभी जो हमारे क्वेश्चन के रूप में जो हमारे क्वेश्चन करते हैं वे सभी, उन्हीं को हम डब्ल्यू एच फैमिली बोलते हैं सबसे पहले वे। फिर हमारा डू एडर जिसे आप जानते हैं कि डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे अदर वर्ड जितने भी हैं वे। चलिए हम पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं तथा उसे बनाते हैं। तुम यहाँ क्यों आते हो, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, क्वेश्चन के रूप में पूछा है, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, अब चलिए इसे बनाते हैं। तो तुम यहाँ क्यों आते हो, सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि क्यों लगाएंगे, तो क्यों यानी कि हमारे होता है वाई,
फिर हमारा वाई, तो जैसे कि हमारा तुम है तो तुम हमारा कौन है, ये हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम डस वो डू का उपयोग करते थे, वाई डू यू कम हेयर, क्योंकि यहाँ के लिए हेयर लगता है हमारा। सेकेंड हमारा तुम क्यों जानते हो, तो वाई डू यू नो, जानने को हम इंग्लिश में नो कहते हैं, क्वेश्चन मार्क इनके पीछे। वह स्कूल क्यों जाता है, तो वाई, वह हमारा एक वचन है तो एक वचन के लिए हम डज का उपयोग करेंगे, तो वाई डज ही गो टू स्कूल। तुम क्या पढ़ते हो, तो क्या आ रहा है, तो क्या पहले यानी कि वोट आएगा, और हमारा इसमें आ रहा है तुम हमारा बहुवचन होता है, तो इसके लिए डू, व्हाट डू यू रीड, पढ़ना हो गया हमारा रीड। अब हमारा आता है तुम क्यों सोते हो, तो क्यों आ रहा है, तो इसके लिए पहले वाई लगेगा, और फिर हमारा अपना डू या डज जो भी हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो डू आएगा क्योंकि हमारे यहाँ से तू है, तुम है क्योंकि तुम हमारा बहुवचन होता है, फिर हमारा यू आएगा, फिर हमारा सोते यानी कि स्लीप, व्हाई डू यू स्लीप। लास्ट में हम देखते हैं तुम क्यों नहीं जाते हो, तो हमारे इसमें नोट आ रहा है। अब नोट वाले को हम कैसे बनाएंगे, नोट वाले के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नोट का उपयोग करेंगे, सिंपल है। पहले हमारा WH फैमिली, फिर हमारा डू डज, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। चलिए बनाते हैं इसे, तो पहले हमारा क्यू आएगा यानी कि वाई, फिर हमारा डू या डज, इसमें हमारा डू आएगा क्योंकि तुम है यानी कि बहुवचन है, फिर हमारा यू आ गया, फिर हमारा नोट आ गया, वाई डू यू नॉट जाते यानी कि गो, जाना, वाई डू यू नॉट गो। आई होप आप सभी को ये सभी रूल समझ में आए होंगे। अगर आपको इस रूल्स की प्रैक्टिस करनी है तो आपको उस प्रैक्टिस आपको सेंटेंस प्रोवाइड किए जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड करिए तथा वे सेंटेंस बना के अपनी प्रैक्टिस करिए। अगर जो आपका हमारा पढ़ाया अच्छा लगता है, आपके समझ में आता है, तो आप हमसे आके विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।